जी, दरवाजा खोलो सेठ जी। सेठ जी कुछ तो बोलो, आज 5 दिन हो गए हैं, पता नहीं ये अंदर क्या लिख रहे हैं। सेठ जी दरवाजा तो खोलो सेठ जी, वरना मैं अपने अम्मी अब्बू के चली जाऊंगी, फिर कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगी। सेठ जी मैं तुम्हारी कसम जहर खा के मर जाऊंगी। साली दरवाजा खोल दो सेठ जी। दिखा तेरे जर तर दिखा दिखा साली, अब्बू का चली जाएगी जहर खा के मर जाएगी साली, ये तो मैंने फ्रंट पेज पे लिखा। सेठ जी खोल दो दरवाजा। सेठ जी दरवाजा खोल दो सेठ जी। सेठ जी दरवाजा खोल दो। क्या हुआ, क्यों रो रही है? देखो ना अम्मी, आज सेठ जी को 5 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक दरवाजा नहीं खोला इन्होंने। अबे लगता अम्मी आ गई। हाँ अम्मी से शिकायत लगा रही है साली, तेरे जर तर दिखा रही है। ठीक है इधर भी लिखता हूँ। 5 दिन हो गए मगर ये अंदर कर क्या रहा है? पता नहीं, मैंने इनसे पूछा तो कह रहे हैं तिरिया चरित्र लिख रहा हूँ। तिरिया चरित्र? हाँ मगर क्यों? मुझे क्या पता, खुद ही पूछ लो। तुम्हारा बेटा तुम्हारा लाल है। मेरा लाल है बाढ़ में जैसा लाल, मैं बताऊंगी इसे हरामजादे को। 5 दिन हो गए आज इसने पूरे कुनवे को परेशान कर रखा है, मैं निकालूंगी इसका तिरिया चरित्र। अम्मी तू क्या बतलाएगी, ये तो मैंने पहले लिख दिया, मैं दरवाजा खोलने वाला नहीं हूँ, कुछ भी कर लो। खोल रहा ना खोल रहा, हरामजादे पूरा मास्टर बन रहा। तेरा बाप भी कभी पढ़ा? खोल दे बता रही हूँ, नहीं तो बहुत पिटेगा। ओए मारेगी अम्मी। अम्मी 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 मैं दरवाजा खोल दूंगा, मुझे मारिए मत। प्यार से बोल अम्मी, खोल दूंगा दरवाजा। अच्छा बेटे, मारूंगी नहीं तुझे मेरे लाल, तू खोल तो दे मेरे बच्चे, चल बाहर आ खोल। ठीक है अम्मी आ रहा हूँ, खोलता हूँ दरवाजा। आ लिया तेरा बेटा, आ लिया तेरा लाल, आ लिया अलिया। अम्मी आ जा मेरे बच्चे, अम्मी आ मेरे लाल, आ मेरे लाल। हराम जाते हराम जाते हराम जाते, मैं लिखूंगी तेरे लिए हराम जाते मुल्ला, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरा मारिया भी लाल 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 तुम्हें पता है ये मेरे पति हैं, अगर पिटाई इनकी होती है तो दर्द मुझे होता है। अरे तेरा पति है तो क्या मेरा लौंडा ना है, है? मेरे बेटे, मेरे शेखू, मेरे लाल, मेरे नीले,
बछड़े, मेरे कछड़े, मेरे बच्चे। अच्छा चल तू जा, तुझे जो करना है तू वो कर। ठीक है अम्मी, ठीक है अम्मी, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, इसे भी लिख लेता हूँ। हाँ ये न रह जाए, इसे भी लिख लो। हाँ ठीक है भाई, ये भी लिख लिया साला, इसे भी रखाऊंगा। चल अच्छा चल तू जा, खाना बना। जी अम्मी। अम्मी मैं रुक जाना, मैं रोटी बाद में खाऊंगा, पहले जोड़ में ना डाल खाऊं। हाँ ठीक है साले, तू खत्म कर दूंगा, पूरे 73 खत्म कर दूंगा, पर साले ने मेरी देह तोड़वा दी। अम्मी ने बहुत मारा, पर मैं भी साले 73 खत्म कर ही दूंगा, मगर साला यार झोड़ तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई खला भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पानी भी नहीं भर रहा, ढूंढ तो रहा साले, हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं भर रहा कहीं। हैं हाँ पानी वाली, तो मुझे थोड़ा पानी पिला दे। हाँ पानी पीने के, पानी पिला दे, अच्छी बात है। पानी पिलाते पिलाते, इसमें 73 लिखे ही ना, गिरने जा रहा हूँ। ठीक आ जाऊंगा, मुझे कौन सा डर है, बस तू क्या मेरा सिरका डालेगी, इन्हें डाल कर आ रहा हूँ। साला कहीं मिला ही नहीं, पानी भी नहीं मिला। अबे साले, अबे डर गया था, पर गया मैं तो कांटे में चुभ गए साले। हैं कहीं मिली ना रहा पानी, इन्हें कहाँ गला हूँ साले को, 73 को। ओबे ठीक है यहाँ है, यहाँ डालता हूँ साले को, यहाँ फेंक देता हूँ साले को, यहाँ फेंक दूंगा। आज ना 73 रहेंगे और ना आदमी परेशान होंगे, ये ले जाओ बेटे 73, यहाँ रहो, यहाँ सड़ो सालो। हाँ ठीक है, साली चद्दर भी हेरा जा, कभी 73 की महक रह जा। हाँ साले अब से ठीक है, साली कटी रात, साले फेंक दे, अब गल जाएंगे। अरे शेख जी आप आ गए क्या, मैं वहीं रहता, आ गए। हाँ साले फेंक दिया, गल जाएंगे साले। हाँ मुझे फिर पानी छिड़का दे, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। बचाओ 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 बचाओ। चलो भाई चलो, उबा कब मगज मेरा नाल छवा दिया, तूने मुझे पानी पिलाने को रोका कब मगर, मगर तूने मुझे घूसे पिलवा दिए, मगर एक बात बता, तू चिल्ला क्यों रही थी, बचाओ बचाओ। मेरी बाल्टी में कुछ गिर गया था, किसी में तो उससे डर गई थी इसलिए चिल्ला रही थी। कुछ गिर गया था, ओए बा इसमें ना जरा सा कुबड़ा पड़ा कब मगर। पानी पियोगे बा, मुझे माफ कर, मुझे पानी पीना ना चाय पीनी, अगर तू मुझे ना छुटाती तो मुझे जान से मार देते। ये तुम्हें छुड़वा तो दिया ना। हाँ छुड़वा दिया, क्या छुड़ाना, छुड़ाया पूरा तुड़वा दिया। चलो पानी पियो। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया, तूने मुझे पहले पिटवाया कि मैं छुड़वाया क्यों, और तेरी बाल्टी में जरा कूड़ा पड़ा, इसका मतलब तू मुझे पागल बना रही है। अरे शेख जी अभी जो तुम लिख के ले गए थे इसके अंदर ये 73 लिखा भी है। नहीं क्या मतलब, मतलब ये कि ये भी 73 था, कौन कौन से लिखोगे 73। मैंने तो सारे लिखे थे, 5 दिन भूखा प्यासा मर के, मगर ये कहाँ से रह गया। अरे शेख जी जितने तुम फेंक के आए हो ना, औरत की तो इतने इस लट में रहते हैं। कौन सी लट में, इस लट में। हाँ इस लट में, इस लट में उलझे रहते हैं, तेरी ये चित्र दिखा रही है साली, मेरा नाम शेख सिल लिया, इस लट को ही पाटूंगा। ला ला हाँ अल्लाह, हराम ज्यादा मेरी लट ले गया साली, लट दिखा रही, लट पाट दूंगा साली, ले जाऊंगा साली, गिर नहीं गिर का गलाऊंगा नहीं। एक चिल्ली मुझे भी इस लट की कसम है, अगर तेरा हिरन ना बना दिया तो मेरा नाम भी हसीना नहीं। साले कम का साले, अरे शेख चिल्ली पागल माने, पागल माने साली, मुझे साली ने मावला मान रखा मुझे, शेख चिल्ली पागल। क्या बात है, क्यों बड़बड़ कर रहा है, क्या हुआ। अम्मी क्या बदलाव, उन्हें साली ने बिन बात के मुझे बहुत पिटवा दिया। बिन बात के पिटवा दिया, हमें तो कोई ना बिन बात के पिटवाता, क्या हुआ। होता क्या अम्मी, मैं उन्हें कॉपी किताब ले गया कंधे पे लाद के, मैं दादा वहाँ डालेगा साली, एक औरत ने गांव वालों से मिलकर मुझे पहले खूब पिटवाया,
फिर कह लेगी तू एक चिड़िया चरित्र लिखना भूल गया, इसे और लिख। फिर तूने लिखा? लिखने लायक छोड़ा उन्होंने मुझे और सारी ने मुझे घूम मारा, सालों में सबने मिलकर मुझे घूम मारा, मगर अम्मी मैंने विशाली की लट फाड़ दी, याद रखेगी जिंदगी भर। अच्छा घेट फाड़ना बंद कर, रुखसाना को डॉक्टर के ले जा, बीमार हो रही है। क्या रुखसाना बीमार हो गई? हाँ, इसका मतलब बुखार चढ़ा दिया तूने। मैं क्यों चढ़ाती, तेरे तिरिया चरित्र लिखने के चक्कर में बीमार हो रही है। चल खड़ा हो, दवाई दिला के ला। रुखसाना रुखसाना, अगर तुझे बुखार हो गया तो मेरा क्या होगा, आती दवाई दिला के चल। सेठ जी मेरे पे तो पैदल चलाना जावे। पैदल चलानी जावे? ओ मैं इतना सता दिया तुझे बुखार ने। एक काम कर, इसे गधे पे बिठा और दवाई दिला के ला। हाँ गधे बिठा के दवाई दिलाओ, गधे बैठ लग तो मैं हो रहा हूँ। अभी तक गधे बैठाओ, लेने लबड़ाओ पास है, अगर ये गधे में से गिर पड़ी तो ऐसी भी ना रहने की है। हाँ मैं गधे से गिर सकती हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ ठीक कह रही है। चल खड़ी हो, गधे से गिर जाएगी तो चल जा, डॉक्टर से दवाई लेके आ। चल खड़ी हो। आराम से जाइयो। आराम कर, आराम कर तू, आराम से ले जाइयो। चल दिन फाड़ लागे वो। चल तो रही हूँ। चल आगे वो पूरी शाम यही कर दिए। चल अब वापस नहीं आना। सेठ जी मैं बीमार हूँ, आराम से तो चल सकती हूँ। ओ तो मैं भी आराम से कर रहा हूँ, कब वक्त आराम से चल ले। मैं तो अम्मी के डर है कह रहा हूँ। देख लेंगे मैं अम्मी को भी, चलो तो। हाँ ठीक है, मैं तुझे गधे पे लाता हूँ, क्या करूँ, सारा गधा भाग गया, तो पैदल चलना पड़ रहा, मुझे बहुत जोर पड़ रहा। कोई बात नहीं सेठ जी। मैं रुक जाना, अब तो एक खुराक खाली आराम लगा ना लगा। हाँ सेठ जी अब तो आराम है। ठीक है तो चल। सेठ जी जब से तुमने दवाई दिलवाई है मैं ठीक हूँ। रुक जाना, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छा फास्ट दवाई देता। अच्छा सेठ जी अम्मी के लिए भी बाजार से कुछ ले लो। बाजार से कुछ ले लूँ? मैं अम्मी के लिए क्या, रुक जाना मेरा दिल कर रहा तेरे लिए भी कुछ ले लूँ, तू भी कुछ खा लिए। अच्छा रुक जाना, गरम गरम जलेबी बन रही है, जलेबी खाएगी? जलेबी हाँ खिला दो। है? मगर पैसे तो है ही नहीं। पैसे नहीं है, चलो तो रहने दो। रहने दो, तेरा मन कर रहा रुक जा, तेरा चाल चलता हूँ कोई है? आगे दिमाग में चल। चलो ठीक है। बस भैया जल्दी दे दो यार, बहुत देर हो रही है, घर बहुत सारे काम है। लो भैया 100 रुपए दो। भाई जान। हाँ जी। जलेबी गरम है? हाँ जी। क्या भाव दिए? मुल्ला जी 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? भाई इतनी महंगी, हराम की दौलत मान रहा किसी की? मुल्ला जी देसी घी की हैं। देसी घी की? हाँ भाई खा के देखेंगे पहले। रहने दो सेठ जी, हमें नहीं खानी इतनी महंगी जलेबी। अरे मैडम खा के तो देखो, खा के देखने के पैसे नहीं है। खा के देखने के पैसे नहीं है? हाँ खा के देख लेते हैं, खा के देखने के पैसे है नहीं, काम बन गया बेटा। मुल्ला जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा कर आधा किलो दे दे। आधा किलो? हाँ वाह बढ़िया बढ़िया दिया। बढ़िया बढ़िया ही दे रहा हूँ देख लो। लो आधा किलो हो गई है? रोज तो ले हाथों से, ऐसी पता चल जाए हमें। ठीक है कम बढ़ती हमारे को कुछ जा रहा। ले कैच कैच तो कैच, मैं भी कैच दूंगा। खा जा खा जा खा जा, मुंह मत जलवाने ना सेठ जी। खा जा गरम खा जा।
खाओ तुम भी खाओ। खत्म हो गई। हम तो चले भाईजान। मुल्ला जी पैसे? पैसे? हाँ। बा कैसे पैसे? आधा किलो जलेबी के। आधी किलो जलेबी के 20 रुपए। बात चुप कर, अपना काम कर। बा हमने खा के देखी, हमें अच्छी नहीं लगी, हमें नहीं लेनी। तो फिर आधी किलो खा के देखेगा? आधी किलो खा के देगी, मेरा पुत्र 1 किलो देखता तो धार ले। खा के देख ला, उसके कोई पैसे नहीं। समझ में आ लिया ना? धार करिया, हमें अच्छी नहीं लगी, हमें नहीं। मतलब तू पैसे नहीं देगा? इसका मतलब, उसका मतलब क्या? कैसे पैसे? साले का लफाटे मारूंगा, बकवास कर रहा हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगी जलेबी। मुल्ला पिटेगा तू मेरे हाथों से। अबे साले, साले निकाल पैसे। हाँ पैसे निकाले पहले, हो देले साले का लपाटा मारूंगा नहीं। ऐसे कर, पलक मुड़ा कर लिया पहले। तू साला भाग, भाग ले, तू साला भाग ले। नहीं तो साला भाग गया, भाग तो गया, पर क्या 20 रुपए की जलेबी खाकर 100 रुपए की मार भी तो खा गया। आज के बाद किसी को खवा के नहीं दिखाऊंगा। चल चल भाग ले, भाग ले, रुक सारा भाग ले, भाग ले। साला कभी पीछे आ जा, साला साला उसे लेकर आएगा अपने पौने से, वो साला पौने भी लेकर आएगा, कभी मार लेगा साले। भाग ले, तुम्हें पता है तुम्हारी चोट क्यों लगी? हाँ क्यों लगी मेरी चोट? यूँ लगी कि जलेबी वाले की तुम फ्री में जलेबी खाया है ना, उसकी बद्दुआ लगी। अच्छा जलेबी फ्री में खाया है, यूँ लगी। अच्छा यूँ लगी, सारी बद्दुआ लगी, बद्दुआ लगी। तेरे ना सजगी, तेरे ना सजगी, सारी सीख करूँगा, सीख करूँगा, सारी तो बिगाड़ को तोपड़ा शिकल बिगाड़ दूँगा, सारी सीख जिली से पंगा लेगी। सेगी सेगी तुमने मुझे क्यों मारा? सुन ले, मारा तुझे नू मारा? बात तेरे में तो खाई, तेरे बराबर खाई, मैंने बराबर खाई, दुआ बद्दुआ तो बराबर लगनी चाहिए। मैं जलेबी खा के चोट लगी, मैं तेल लपाटे मार दिए। बराबर झेल, अब निकल घर को चल। बराबर झेल, अब निकल घर को चल। अब बराबर होगी, जलेबी तरह सटकी। चल